फ्रेंड्स, जब भी हम किचन में काम करने जाते हैं तो अपने समय को बचाने के लिए कुछ टिप्स अपनाते हैं जो कि बहुत काम आती है और हम सबके साथ शेयर भी करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही टिप लेकर आई हूँ, ऐसी किचन टिप्स हैं ये, जिसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो कुकिंग है थोड़ी और ईजी हो जाएगी। और तो और कुछ ऐसे टिप्स भी शामिल हैं आज की इस वीडियो में, जिससे कि आपका टाइम बचने के साथ साथ आपका जो खर्चा है, जो नुकसान है, वो भी बच जाएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फ्रेंड्स, चावल दोबारा यूज़ करने के लिए जब आप कढ़ाई गर्म करते हैं तो चावल ठीक से गर्म नहीं होते और कढ़ाई में चिपक जाते हैं। इसके लिए आपको चावल को कढ़ाई में डालकर उस पर आधा गिलास डालना है पानी और गैस को धीमी आंच पर रखकर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भाप देनी है, जिससे कि चावल अच्छे से गर्म भी हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। टिप नंबर 2, बचे हुए आटे को स्टोर करने के लिए उसके ऊपर की लेयर पर आप तेल की जगह देसी घी लगाएं। इससे आटे की रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी और देसी घी से ज़्यादा अच्छा स्वाद भी आएगा। टिप नंबर 3, अगर आप बाहर कहीं सफ़र में जा रहे हैं और आप सूखी सब्ज़ी बनाकर ले जा रहे हैं तो अक्सर वो ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए आधा चम्मच सफ़ेद सिरका सब्ज़ी बनाते वक्त इसमें डाल दें और सब्ज़ी में अच्छे से मिलाने के बाद इसे पैक कर लें, जिससे कि आपकी सब्ज़ी 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होगी। टिप नंबर 4, किसी भी सब्ज़ी के कोफ्ते बनाने से पहले सब्ज़ी को कद्दूकस कर लें और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। जब आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया होगा। अब इस सब्ज़ी को निचोड़ लें और इसमें मसाले मिलाकर कोफ्ते बनाएं। इससे आपके कोफ्ते फटेंगे भी नहीं और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। टिप नंबर 5, जब भी आप सफ़र में जाते हैं और रोटी बनाकर ले जाते हैं तो वह अक्सर टाइट हो जाती है। ऐसे में अगर आप आटा दूध से मांडेंगे तो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। आप सफ़र में जब इसे खाएंगे तो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। आप चाहें तो रोज़ाना लंच में भी ऐसी रोटी बनाकर दे सकते हैं। टिप नंबर 6, झटपट भटूरा बनाने के लिए आप आधा कप मैदा लें और 4 चम्मच दही मिलाएं और आधा कप आपको इसमें डालना है कसा हुआ आलू। उबले आलू ही आपको लेने हैं और बिना पानी लगाए इसे अच्छे से गूंद लें और तुरंत आपको इसे भटूरा बना लेना है। आपके फटाफट बनने वाले भटूरे तैयार हैं। टिप नंबर 7, आलू के पराठे स्वादिष्ट बनाने के लिए आप कस्तूरी मेथी पराठे के मसाले में ऐड करें। इससे पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। टिप नंबर 8, दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए आज मैं आपको एक अनोखी टिप देने वाली हूँ। अक्सर दाल बनाते वक्त दाल और पानी अलग हो जाता है, तो दाल बनाते वक्त आपको उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच देसी घी डालना है, तो इससे दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और दाल का टेक्सचर भी अच्छा होता है। टिप नंबर 9, नूडल्स बनाते समय आप इसे उबालने के बाद छान लें और इस पर ठंडा पानी डालकर धो लें, जिससे कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल खिले हुए बनेंगे। टिप नंबर 10, ब्रेड को सॉफ्ट रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए, तो ब्रेड खोलने के बाद जो सबसे ऊपर वाला मोटा ब्रेड होता है उसे आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हमेशा नीचे का ब्रेड निकाल कर वह मोटा वाला ब्रेड का पीस ऊपर से ढककर पैकेट बंद कर दें। इससे आपकी ब्रेड ज़्यादा दिनों तक फ्रेश और सॉफ्ट रहेगी। टिप नंबर 11, पूरी बनाते वक्त आप इन्हें बेलें और एक प्लेट में रखकर इनको फ्रिज में रख दें लगभग 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे कि जब आप पूरी तेल में फ्राई करेंगे तो पूरी काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी और इनमें तेल भी कम लगेगा, जिससे कि आपकी सेहत भी बनी रहेगी और तेल की बचत भी होगी। टिप नंबर 12, अक्सर कढ़ी बनाते वक्त फट जाती है, ऐसे में आपको कढ़ी में नमक तब डालना है जब कढ़ी में उबाल आ जाए। इससे आपकी कढ़ी फटेगी नहीं और जब भी आप कढ़ी बनाएंगे तो वह बहुत स्वादिष्ट बनेगी। टिप नंबर 13, नींबू के रस के आइस क्यूब बनाकर रख लें। इससे कभी भी अगर आपको नींबू का रस चाहिए तो हमेशा आपके पास उपलब्ध होगा। और दूसरा कारण यह है कि अगर घर में आप नींबू ज़्यादा ले आए हैं तो रस जमा लेने से वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इससे आपको कभी भी शिकंजी बनानी हो या खाने में इस्तेमाल करना हो तो नींबू आपके पास हमेशा रहेंगे। टिप नंबर 14,
गर्मी में जब हम नींबू को काट कर आधा फ्रिज में रख देते हैं तो आधा नींबू ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आप नींबू को काटने की जगह नींबू में ऊपर से एक छेद कर लें, जिससे कि नींबू निचोड़ कर आप रस भी निकाल लेंगे और बचा हुआ नींबू जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। टिप नंबर 15, पूरी या पकौड़े तेल में तलते वक्त आप पहले तेल में एक चुटकी नमक डाल दें। इससे पूरी और पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं और तेल कम सोखते हैं, और इससे यह फ़ायदा भी होता है कि आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचता और आपका तेल भी कम लगता है। टिप नंबर 16, टमाटर की प्यूरी या फिर चटनी बनाते वक्त इसके छिलके निकालने में दिक्कत आती है, तो ऐसे में टमाटर के छिलके जल्दी निकालने के लिए आप एक कांटे वाली चम्मच लें और उसमें टमाटर को फंसा लें और गैस पर इसे थोड़ी देर सेक लें, जिससे कि इसकी स्किन पर क्रैक आ जाते हैं और आप ठंडा करके इसके स्किन को जल्दी से निकाल पाएंगे। टिप नंबर 17, किसी कुकर या कोई बर्तन या फिर मिक्सिंग जार वाला ढक्कन, उसमें जब हल्दी लग जाती है तो उसके निशान रह जाते हैं, तो इसके लिए आपको इन्हें पानी से धोकर थोड़ी देर धूप में रखना है, निशान गायब हो जाते हैं। टिप नंबर 18, भिंडी लेने के बाद एक दिन में ही ख़राब होने लगती हैं, तो भिंडी को फ्रेश रखने के लिए आप इनका ऊपर और नीचे का पार्ट काट दें और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें। इससे यह 3 से 4 दिन तक चल जाती हैं। टिप नंबर 19, टमाटर ज़्यादा सस्ते हों तो उनके पतले पतले स्लाइसेस करके आप उन्हें धूप में सुखा सकते हैं, जिससे कि यह सूखा हुआ टमाटर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और ये 6 महीने तक आराम से चलता है। तो आप इस पाउडर को सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनकी चटनी या प्योरी भी बना सकते हैं। इसके लिए आप सूखे हुए टमाटर थोड़ी देर पानी में भिगाकर पीस लें। डोसा बनाने के लिए अगर आप दाल भिगो रही हैं तो 1 कप दाल में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर भिगाएं, और जब आप दूसरे दिन दाल पीसेंगे तो उसी के साथ मेथी दाना भी पीस लें। इससे डोसे का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और गैस भी नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो। ये सारी टिप्स बहुत काम की है, ट्राई करके ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।